नमस्कार, मैं प्रिया बरुआ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे फाइव डेस्टिनेसिटी फेस टू फेस पे। आज हमारे साथ मौजूद है चंडीगढ़ से एक बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य विवेक वशिष्ठ जी। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फाइव डेस्टिनेसिटी में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी आपको आपको कैसे महसूस हो रहा है हमारे साथ यहाँ मौजूद होके? जी बहुत अच्छा लग रहा है। फाइव बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स में आप काउंट करते हैं जी और एक बहुत अच्छी बात, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को बताने के लिए जी कि जी हम किस तरह प्रिडिक्शंस या एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी धन्यवाद जी। विवेक जी वैसे आपको कितने साल हो चुके हैं एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन में? देखिए वैसे तो 2008 से जी मैं जी एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन, 2008 से आप ये देख सकते हैं बट 14 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं ओके अच्छा एक्सपीरियंस रहा एस्ट्रोलॉजी के साथ में। जी जी आपका बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो वैसे आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं लेकिन आप अगर आप हमारे दर्शकों को कह पाए कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और फिर आपका अगर कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग है कि नहीं? जी वैसे तो मेरी लोकेशन चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में यहाँ ट्राई सिटी में प्रॉपर अगर देखा जाए तो ये जो स्थान है ये नजरपुर का एरिया पड़ता है जी एंड जी यहाँ पर बिरता विहार नाम से एक विहार है जहाँ पर हरि कृपा से वास है और ओके वहां से ही ज्यादा तो ऑफलाइन चलता है। बाकी इस क्षेत्र के जितने लोग हैं वो जी जी तो जी ऑफलाइन ही ज्यादातर हमारे पास आते हैं और बाकी ओके ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है, जैसे कहा जाए कि रिस्पांस मिलता है। जी जी कुछ जगह पर तो फॉरेन कॉल्स भी मिलते हैं जहाँ पर फॉरनर से भी बात होती है, इवन जो इंडियन जो अमेरिका में है या जी कनाडा ऑस्ट्रेलिया में तो ओके व्हाट्सएप के द्वारा उनसे भी वो भी कॉन्टेक्ट करते हैं और ओके सबको उनके अकॉर्डिंग जैसे भी अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजी में जो जो भी चीजें उनको मेंटल इश्यूज हैं जो जो इश्यूज होते हैं वो जी सब जी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश। ओके सो बेसिकली आप ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्विस दोनों ही देते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। और अभी अभी आप कहे कनाडा ऑस्ट्रेलिया, सो आप ये देश से बाहर भी मतलब आपके कस्टमर्स आप सर्विसेज देते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके और वैसे चंडीगढ़ में तो आपका है ही और बाकी इंडिया में आप दूसरे कई शहरों में आप देते हैं कुछ सर्विस आपके हैं? जी भारत में बाकी शहरों में जी जैसे अपने पंजाब में ही अमृतसर आदि ओके जगह है जहाँ से हमारा पहला रहना भी है, तो जी जी अमृतसर हो गया, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है ओके वहां पर भी जो इलाके हैं और यहाँ ट्राई सिटी पड़ता है, यहाँ चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली तीनों ही हम कहें को तीन स्टेट्स पड़ जाती है तो जी इन जी तीनों जी स्टेट से बड़ा एरिया से सब लोगों के साथ अच्छा कॉन्टेक्ट रहता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जी और जी पंजाबी हों हरियाणवी हों एवं चंडीगढ़ के जो लोग हैं तो इन सब लोगों के साथ अच्छा एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम कहीं पर मेल मिलाप होता रहता है और उनको मैं ओके सर्विसेज देता हूँ। ओके ओके जी विवेक जी वैसे आपके किन किन प्रकार के सर्विसेज हैं? जी अगर सर्विसेज देखें तो इनमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी आती है जो टॉप मोस्ट है। मेडिकल ओके एस्ट्रोलॉजी होती है जिसमें लोगों को अगर आधी व्याधि लाइक किसी को मेंटल इश्यूज होते हैं जी उन्हें जी आधि कहते हैं ओके और शारीरिक इश्यू शारीरिक बीमारियां रोग दोष कष्कलेश पीड़ा उसे व्याधि कहते हैं और ओके इनको हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जी उनका जी निदान या उनका ट्रीटमेंट जिसे कहें थोड़ा, क्योंकि मेरा आयुर्वेद के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो ओके अगर किसी इश्यूज या एंग्जाइटीज हो तो वो मैं जी थोड़ा आयुर्वेद के थ्रू भी एंड विद दिस एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि पुराने समय में आप जानते हैं नाड़ी विद्या के द्वारा नाड़ी चेक करके या केवल और केवल कुंडली देख करके निदान जी बता दिया जाता, जी जी तो वो विद्या का मैं अधिक प्रयोग करता हूँ ओके कि अगर किसी को मेंटल एंग्जाइटीज इश्यूज यहाँ तक कि मानसिक कोई भी पीड़ा हो उसके लिए, उसके अलावा काउंसलिंग भी, तो काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है जी एंड उसके साथ साथ अब हम चलते हैं एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो फ्यूचर प्रिडिक्शंस जिनमें ज्यादातर आजकल जो चल रहा है जैसे लोग ज्यादातर अपने रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर के आते हैं, कुछ जी लोगों को ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं जी उसके जी रिगार्डिंग, बिजनेस इश्यूज होते हैं, मैरिज में प्रॉब्लम है अगर
वो जी इश्यूज बहुत आते हैं, वो सर्विसेज बिल्कुल भी, जी एंड इन्हें कैसे ठीक किया जाए, किन ग्रहों के द्वारा इनका क्या क्या ट्रीटमेंट करके हम उसे ठीक कर सकते हैं। जी तो देखिए दोनों चीजें चलती हैं ना, ओके तो इन सबको मैं देखता हूँ, करियर ग्रोथ एस्पेक्ट वगैरह, और इसमें प्रोजनी भी देखा जाता है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड मेरी सर्विस में। ओके ओके वैसे ये आप अभी अभी कहे कि आप मेंटल इश्यू जिनको है कुछ एंजाइटी वगैरह जो आते हैं आप उनको भी ट्रीट करते हैं, वैसे ये मैं ज्यादा सुनी नहीं, सो अगर आप इसको ज्यादा थोड़ा और ब्रीफली अगर आप एक्सप्लेन कर पाए कि ये एग्जैक्टली है क्या। देखिए एक्चुअली ये बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आजकल जी जो भारत जीवन और सब में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की लालसा है, बिल्कुल और कहीं ना कहीं वो वहां पहुंच भी नहीं है, तो बट एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो संतुष्ट फिर नहीं हो पाते, ठीक है। और उनके जीवन में कहें तो किसी को वाइफ के साथ इशू है, कहीं वाइफ को हस्बैंड के साथ बिल्कुल इशू है, वो जी धीरे धीरे मेंटल एंग्जाइटी डेवलप होते होते हुए उनकी लाइफ में कोई ना कोई बीमारी तक का रूप धारण कर। जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सच में मेंटल इश्यूज होते हैं, जैसे आपने कभी सुना होगा ओसीडी होता है, जी स्किजोफ्रेनिया होता है, जी उस जी बिल्कुल तरह के लोग भी होते हैं जिन्हें ओके लोग समझ नहीं पाते, हाँ ठीक हाँ है, बिल्कुल उन्हें बहुत बिल्कुल ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो फिर उन चीजों को भी थोड़ा, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी का भी बहुत महत्व होता है, एंड जी एस्ट्रोलॉजी हमें देखा जाए, अगर एस्ट्रल फिजिक्स को अच्छी तरह से स्टडी किया जाए, तो यहाँ हमारी जो सनातन परंपराएं हैं ये मन और मस्तिष्क के द्वारा ही सारा काम किया जाता है, ओके तो ओके वहां से ही अगर मस्तिष्क को यानी ब्रेन पे काम किया जाए, पूरी जी बॉडी को ठीक किया जा सकता है, जी और अगर ब्रेन पे काम किया जाए यानी मन पर काम किया जाए, ब्रेन से भी आगे कहूंगा मन और चित्त पे काम किया जाए, तो किसी तरह की भी प्रॉब्लम से बाहर आया जा सकता है। आपने जैसे सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से, सदियों से उस पर काम किया जाता है कि आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए कैसे साइकोलॉजिकली भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी हम क्या काम कर सकते हैं जो हमने पास। ओके ओके एंड इसी में एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपके पास जो कंप्लेन लेके आते हैं काफी क्वेरीज होते हैं वो लोग का ज्यादातर कैसे होते हैं, और मतलब यंगर जनरेशन आजकल ज्यादा वो लोग विश्वास रखते हैं नहीं जितना मुझे लगता है, आपका क्या टेक है इस पे। आजकल के समय में ज्यादा क्वेरीज जो है वो करियर ग्रोथ एंड बिल्कुल रिलेशनशिप्स पे आते हैं, जी ये जी दो जी चीजें तो सबसे अधिक, ठीक है। एंड यंगस्टर्स को अगर हम देखें कि हमें लगता है शायद विश्वास नहीं करते, बट ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब यंगस्टर्स कभी भी कोई रिलेशनशिप इश्यूज फेस करते हैं तो हमें जी कॉन्टेक्ट जरूर करते हैं, एंड उसमें ओके भी अगर हम देखेंगे तो हाँ। और देखिए सबसे ज्यादा जो कॉल्स आती हैं वो बैंगलोर की तरफ से, जी आईटी जी सिटीज जो है लाइक जी बैंगलोर जी एंड पुणे, जी वहां जी से ज्यादा आती हैं रिगार्डिंग करियर ग्रोथ एंड आल्सो दे हैव सम लाइक रिलेशनशिप इश्यूज आल्सो, तो उनके कारण भी लोग ज्यादा कांटेक्ट करते हैं। हमें लगता है ऐसे कि शायद नहीं, क्योंकि आजकल जी जो ऑफलाइन लोग कम है, ऑनलाइन बहुत ज्यादा लोग आते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन लोगों को ज्यादा इजी भी रहता है, इसलिए बिल्कुल बैंगलोर वगैरह पुणे वगैरह से लोग जल्दी कॉन्टैक्ट कर लेते जी। और ऑनलाइन कहीं तो कहे तो एक बात है कि जब से ये लॉकडाउन आया है कोविड आया है ऑनलाइन इज वेरी कन्वीनियंट। हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप जी सही कह रहे हैं, जी ज्यादातर लोग घरों से काम कर रहे हैं ऑनलाइन। बिल्कुल बिल्कुल जी विवेक जी एक सवाल है मेरे मन में जो मैं पूछना चाहती हूँ कि कुंडली जो देखते हैं वो कुंडली से क्या लाभ होता है और ये कुंडली से वैसे क्या क्या जान सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है जी आपका। जी अगर देखा जाए तो कुंडली से सब कुछ जाना जा सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि वो जो एस्ट्रोलॉजर है जी जी वो कितना इन चीजों से अवगत है, उसकी पढ़ाई कितनी है, उसका जी एक्सपीरियंस कितना है, उसके साथ साथ उसकी साधना कितनी है। देखिए ये ओके एक ऐसा फील्ड है जहाँ साधना की बहुत जरूरत है, बिल्कुल बिना साधना के एस्ट्रोलॉजी नहीं की जा सकती, ये मेरा मानना है, जी ठीक है। जी तो जी जितना आप हम कहें कि साधना करेंगे उतना ही एस्ट्रोलॉजी और अच्छी होगी, फिर बहुत समय नहीं लगता, आपने एक बार किसी का ऊज शक्ति या ऑरा पकड़ा तो आप बड़ी जी जल्दी उसके बारे में जान जाते हो, तो समय बिल्कुल फिर उसमें नहीं लगता, सबसे बड़ी बात बिल्कुल ये है। अच्छा एस्ट्रोलॉजी से सब कुछ जाना जा सकता है, क्योंकि 12 भाव होते हैं एक कुंडली, और उनसे हम सब कुछ जान सकते हैं, ओके प्रत्येक भाव में
हमारी रिलेशनशिप से लेकर के, हमारे रिश्तेदारों से लेकर के, हमारे कोई भी हमने जो काम करना है जी उससे लेकर के, कर्म हो गया, कितनी आय, धन प्राप्ति कितनी होगी, हम सेविंग्स कितनी कर पाएंगे, हम विदेश जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, हमारा जीवन सुखी रहेगा या दुखी रहेगा, ओके हम मन से कितना संतुलित रहेंगे, जी जी और जी जो भी चीजें, हर चीज यहाँ से जाना जा सकता है, यहाँ तक कि रोग दोष कष्ट क्लेश पीड़ा की तो मैं बात कर ही चुका हूँ, सब कुछ चार्ट से, आप प्लीज चार्ट से जाना जा सकता है। ओके वैसे आप कहे कि सब कुछ जान सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू मी हेल्थ इज रियली इम्पोर्टेंट इन आर लाइफ, एंड इन पास्ट 2 इयर्स वो हम लोग सब विटनेस कर ही रहे हैं अभी भी, कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। जी विवेक जी, वैसे आप अभी कहे कि कुंडली रियली हेल्प्स इन वेरियस फॉर्म्स, वो बहुत वास्ट है, सो हेल्थ और वेल्थ में एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी हेल्थ एंड वेल्थ दोनों पर बहुत अच्छा काम करती है। जी सबसे बड़ा बात एस्ट्रोलॉजी का ये होता है, अगर हम देखें कि अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो हम उसके लिए पहले से ही रेमेडी तैयार रखें, तो हम वहां पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जी ऐसा किसी का लाइफ दुनिया में नहीं होता, किसी की लाइफ ऐसी दुनिया में नहीं है कि जो हर समय एक जैसी चलती रहे, अप्स एंड बिल्कुल डाउन्स हर की लाइफ में आते हैं। ठीक है, जी जी हाँ, हेल्थ हो वेल्थ हो, दोनों में अप एंड डाउन आते जाते हैं। जी यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि एस्ट्रोलॉजी हेल्प वहां करती है कि जब आप कभी किसी एस्ट्रोलॉजी को अपना चार्ट दिखाते हैं या अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो जी जब भी वो वहां आपके 11th हाउस, 11वां भाव, जहां से आपकी आय या आपके धन के आगमन को देखा जाता है, तो वहां से जी वो कैलकुलेट कर सकता है कि आपके पास धन का आगमन यानी कितनी वेल्थ को आप अट्रैक्ट करेंगे ओके और ओके उसको आप संभाल भी पाएंगे कि नहीं। जी 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 बिल्कुल, जी ओके तो आप उसे संभाल भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वेल्थ मिल जाना या धन कमा लेना एक बात है, उसे संभालना भी अलग बात है, बिल्कुल उसकी रक्षा करनी। बिल्कुल बिल्कुल उसको भी एस्ट्रोलॉजी बता देती है। इवन अगर हम मेडिकल इश्यूज की बात करें तो 6th हाउस से हम उनको भी जान सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, थोड़ी देर पहले कोविड आया, तो जी उस समय अगर हम देखें तो 2020 मार्च के जी आसपास जी जी शनिदेव, वो कुछ इस प्रकार उन्होंने रेट्रोग्रेड होकर के कार्य किया। नो डाउट कोविड पहले से शुरू हो चुका था थोड़ा सा, जी परंतु मार्च से ही उसने एकदम से पेस पकड़ी, 2020 मार्च। और उस ओके समय मानसी, बिल्कुल उस समय श्री शनिदेव ने जो रेट्रोग्रेड पोजीशन दिखाई या वक्रत्व दिखाया और जो जो चीजें हुई वो सब उसी दशा में आ जाती। 2.5 साल के लिए शनिदेव थे, ओके और हम देखें इसी साल मई में शनिदेव ने फिर अपनी पोजीशन चेंज की। तो यहाँ क्या है, यहाँ ये देखना होगा कि जब ये प्लैनेट्स मूव करते हैं, एक जी राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, तो जी केवल पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह आदि और सब कुछ लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन सब पर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ओके ओके जी विवेक जी, वैसे आप कहे थे कि आपके कस्टमर्स बाहर से भी है, आउट ऑफ इंडिया से भी है, सो क्या एस्ट्रोलॉजी इसमें भी हेल्प करता है? मतलब वो लोग अगर बहुत लोग इंडिया से बाहर भी जाना चाहते हैं, माइग्रेट होना चाहते हैं, सो हाउ डज इट हेल्प? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जी अगर देखा जाए तो जहां तक मैंने ज्यादा देखा है, जो मेरे कस्टमर्स हैं उसमें ज्यादा लाइक फॉरेन कस्टमर्स की बात करूं, एनआरआई की बात करूं, तो जी ज्यादा गुजरात से या पंजाब से, जी और कुछ लोग साउथ से भी, विदेश में ज्यादातर वही मिले मुझे जो H1B वीजा पे गए, मैं साउथ से तो ज्यादा। जी जी तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, माइग्रेट अगर आपने करना, जो कि हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि ज्यादातर लोग पंजाब से बाहर जाना ही चाहते हैं, तो अगर आप बिल्कुल माइग्रेट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात कुंडली ये बता देती है कि आप हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, आप विदेश ओके जा पाएंगे या नहीं, या केवल आप थोड़ी देर वहां रह पाएंगे, थोड़ी देर स्टे कर पाएंगे और वापस आना पड़ेगा, और ये भी पता लग जाता है कि आपको परमानेंट रेजिडेंस वहां मिल सकती है कि नहीं। तो अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 12वां भाव चार्ट में, आपकी कुंडली का 12वां भाव, उसमें जैसे ग्रह बैठे हैं, जिन जी जिन ग्रहों की दशा चल रही है, वो जी जी हमें इस बारे में बता। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोग अपना चार्ट कई बार नहीं दिखाते और बाहर के लिए बार बार कोशिश करते रहते, फिर जब जी वो आते हैं हमारे पास तो बताते हैं कि जी हम 3-4 बार ट्राई कर चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका कनाडा से रिजेक्शन 2 बार भी आ चुका है या 3 बार आ चुका है, ओके फिर वो जी और बार रिजेक्ट होने के बाद फिर वो ट्राई भी नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी बात यह है, जैसे किसी ने आइल्स का एग्जाम देना है,
तो वहां पर भी ये चीज देखनी होती है कि कौन सा टाइम पीरियड बेस्ट रहेगा उसकी, तो ओके ये भी हम एस्ट्रोलॉजी से जान पाते हैं। बाहर जाने के लिए हमें कुछ ऐसे ग्रह चाहिए होते हैं जो वहां के लिए सपोर्ट कर, कुछ ऐसे ग्रह हैं जैसे शनिदेव हो गए, राहु देव, केतु देव, शुक्र देव या द्वादशेश, यानी 12वें का अधिपति, तो ये ऐसे ग्रह होते हैं जो हमें बाहर जाने में हेल्प करते हैं। अगर वो ग्रह तो अच्छे हैं तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कुंडली देख करके ये पता लग जाता है कि ये जीव बाहर सेटल नहीं हो पाएगा, और अगर कोई पीआर ले सकता है तो वो भी चार्ट से हमें पता लग जाता है। ओके ओके। और विवेक जी, वैसे अगर इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से जो हमें देख रहे हैं, अगर आप उनको उनके लिए कुछ छोटा सा टिप या अगर मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप अपने जीवन में स्वयं को, खुद को खुश रखने के लिए हमेशा चेष्टारत, हमेशा कोशिश करिए कि आप खुश रहें। अगर आप खुद खुश हैं तो आप दूसरों को भी प्रसन्न यानी खुश रख पाएंगे। अगर आप किसी तरह की कोई एंग्जाइटी लेते हैं, कुछ भी दुख लेते हैं और उसके कारण खुद दुखी है तो दूसरों को भी आप दुखी बांट पाए, तो एस्ट्रोलॉजी आपको यही हेल्प करती है कि आपके मन में जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या क्या किया जाए, और खुद स्वयं में खुश कैसे रहा जाए, हेल्थ वेल्थ को कैसे ठीक रखा जाए, यहाँ एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है। और मुझे लगता है आपको थोड़ा सा इन चीजों पर सबको ही ध्यान देना चाहिए, थोड़ा धार्मिकता पर और भगवान पर ध्यान जरूर देना चाहिए, ऐसे जीव सदा खुशी। एंड आई होप कि हमारे ऑडियंस इस बात को थोड़ा गौर से सुने और इसको इम्प्लीमेंट करे, मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर करना चाहिए। जी विवेक जी, आप हमारे फाइव वेस्टर्न सिटी में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। सो अगर आप हमारे फाइव वेस्टर्न सिटी के लिए छोटा सा फीडबैक देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? जी, मैं आपके लिए बस इतना सा ही टिप देना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आपके द्वारा लोगों को बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स एंड शायद और लोग भी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग भी अपने स्किल्स को यहाँ बताने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। तो आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और लोगों को अपने स्किल्स दिखाने का और दूसरों की सहायता करने का आप कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करते हैं। जी धन्यवाद धन्यवाद। आज का ये इंटरव्यू विवेक जी के साथ यही तक था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और विवेक जी के सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट के डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे इस वीडियो के आखिर में हम लोग दे देंगे। हमारे फाइव वेस्टर्न सिटी के भी सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो इंटरव्यू के आखिर में हम लोग दे देंगे। विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।